नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीकेएम में। मैं आपका दोस्त आदित्य। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से है। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आज के बाद में ऐसी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से आप इसे केवल एक बार देखेंगे और इसके बाद में यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल करना क्या आप लोगों को दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 9 जनवरी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह दोस्तों गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसको और इसको हम दोनों को एक साथ देखेंगे। तो 9 जनवरी को 9 लोगों को, देखना दोस्तों समझना, 9 लोगों को हिंदी दिवस में हंसने के लिए बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। जब 9 लोग वहाँ से चले, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जब प्रवासी लोग चले, ठीक है, जो भारतीय थे, तो रास्ते में उनको गांधी जी मिल गए। ठीक है, गांधी जी जब मिल गए तो वो कहते हैं भाई चलो हम भी चल रहे हैं तुम लोगों के साथ में। तो कितने लोग हो गए? 10 जन। ठीक है, देखो तो जन से मतलब 9 लोग, ठीक है, ये जन जो है से 9 लोग, ठीक है, तो 10 जन हो गए। तो वो कहाँ आए? विश्व हिंदी दिवस में आए। ठीक है, और वहाँ पर खूब क्या करा? हंसी की। ठीक है, खूब हास्य मनाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब 12 जन, 12 जन वहाँ पर और खड़े थे। ठीक है, 12 जन और खड़े थे, वो क्या थे? युवा थे। वो भी क्या हो गए? इस हास्य दिवस में यानी हिंदी के हास्य दिवस में वो 12 युवा भी शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। 15 जन, 15 जन, अब जितने भी लोग वहाँ पर थे उनमें से 15 जो लोग थे वो थल सेना यानी कि सेना में थे। ठीक है दोस्तों, थल सेना में थे। ओके दोस्तों, वो लोग थल सेना में नौकरी करते थे। ठीक है, 15 जन थल सेना में नौकरी करते थे। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 24 जन, 24 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसको याद करने के लिए दोस्तों देखो, यहाँ 15 लोग क्या थे? थल सेना में थे। ठीक है, अब इनके साथ ही 24 बालिकाएं भी क्या हो गई? जुड़ गई। वो कहती हैं भाई हम भी थल सेना में जाएंगे, हम भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है, तो 24 जन यानी जन मतलब लड़कियां, बालिकाएं थल सेना में शामिल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी, 26 जनवरी तो सभी लोगों को पता है ये हमारा गणतंत्र दिवस होता है। जनवरी, 30 जनवरी को दोस्तों तो शहीद दिवस तथा कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाना जाता है। तो दोस्तों तो देखिए, 30 जनवरी में जन, ठीक है, अब 30 जन यानी 30 रोग कुष्ठ रोग का निवारण करते हुए, कुष्ठ रोग का निवारण करते हुए सही हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से याद कर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फरवरी। अब फरवरी के दिनों को याद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1 फरवरी, अब देखिए दोस्तों यहाँ फरवरी है, तो फरवरी से हम क्या याद कर लें? फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, फरवरी से फ्रेंड, तो 1 फरवरी को क्या होता है? तटरक्षक दिवस होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड जो है तट की रक्षा करता है, यानी तट तट कहें तो समुद्र की, समुद्र के तट की रक्षा करता है। मेरे एक फ्रेंड में इतनी शक्ति है कि वो अकेले ही तट की रक्षा करता है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो अब वो कहता है कि मेरे 4 फ्रेंड लेकिन ऐसे हैं जो निकम्मे हैं, वो क्या खाते हैं? केसर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैंसर को क्या कर सकते हैं? इसको केसर। ठीक, तो 4 दोस्त ऐसे हैं जो निकम्मे हैं और वो केसर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
तो देखिए, वैसे एक वर्ष के जो 12-11 मंथ्स होते हैं वो 30 या 31 के होते हैं, लेकिन जो फरवरी महीना होता है दोस्तों वो 28 दिन का होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, तो लॉजिक जो है तो वो कहाँ से आता है, विज्ञान से। तो 28 फरवरी को क्या हो गया दोस्तों, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मार्च, मार्च के जो डेज हैं उनको याद करते हैं दोस्तों। अभी 4 मार्च, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अब इसको दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं, वो मार्च मीन्स क्या होता है, चलना, ठीक है, एक साथ चलना या मार्च करना, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा या कहीं भी रहेगा तो उसको सुरक्षा चाहिए, कैसे, चार से, चारों दिशाओं से उसको सुरक्षा चाहिए, ठीक है। चारों दिशाओं से किसी व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, और कैसे सुरक्षा चाहिए, उसको जो सुरक्षा करने वाले हों वो लगातार मार्च कर रहे हों, ठीक है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हो गया। अब 8 मार्च, 8 मार्च को दोस्तों महिला राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि जब हमें सुरक्षा चारों तरफ से चाहिए, ठीक है, तो ये एक गुनी हो गई, लेकिन जब हमारी महिलाओं की बात होती है तो उन्हें दो गुनी सुरक्षा चाहिए, ठीक है। तो 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। तो 8 मार्च माँ से महिला, और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनको हमसे दो गुनी सुरक्षा चाहिए, ठीक। तो 8 मार्च को क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब 15 मार्च देखते हैं दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो इसको देखते हैं दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं, चलिए दोस्तों इसको बाद में देखते हैं। अगर आपको इसकी ट्रिक पता हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 22 मार्च, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखो 22 मार्च यहाँ पर क्या है, दो, ठीक है दोस्तों। तो दो दो यानी कि जो जल होता है उसमें बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है, ठीक है। तो दो दो बूंद से जल यानी घड़े में जल भरता है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दो दो बूंद करके घड़े में जल भरता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 23 मार्च। अब 23 मार्च को क्या है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर था दो और यहाँ पर हो गया कितना, तीन, यहाँ दो था अब यहाँ हो गया तीन, तो दो से हो गए तीन। तो तीन कौन कौन से, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए और राजगुरु हो गए। तो यहाँ 22 मार्च है तो 23 मार्च हो गया, 22 से 1 बढ़ गया यानी कि 2 से 1 3 हो गया। तो 23 मार्च को दोस्तों हम याद कर सकते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों अप्रैल के देश को देखते हैं, अप्रैल के दिनों को देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो सात, इसको सेवन सेवन बोल सकते हैं, सेवन, और अप से मतलब अप सेवन अप। तो दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक आती है, सेवन अप पियोगे तो स्वस्थ रहोगे, सेवन अप पियोगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रिक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसको दोस्तों थोड़ी देर के लिए अभी रोकते हैं, आगे देखते हैं। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखिए दोस्तों उधर 22, इधर 22 अप्रैल है विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को क्या था, विश्व जल दिवस, ठीक है। तो दो दो बूंद यानी कि दो दो बूंद से घड़ा भरता है, जल से घड़ा भरता है, ठीक है। और पृथ्वी पर क्या सबसे ज़्यादा, जल है, ठीक। तो दो दो बूंद यानी कि इसे हम उससे रिलेट करके देख सकते हैं कि दो दो बूंद से घड़ा भरता है और दो दो बूंद से ही पृथ्वी पर जल बढ़ता है, ठीक है। दो दो बूंद करके पृथ्वी पर जल बढ़ता है। तो 22 अप्रैल को क्या हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस। आप देखते हैं तो 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इसको कैसे याद कर सकते हैं, अब ये वाला देखते हैं। 14 अप्रैल जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी,
तो 14 अप्रैल को हम कह सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो जी थे, जो 14 अप्रैल को पैदा हुए और 10 दिन के बाद ही उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि 10 दिन के बाद ही वह पंचायत करने लगे, और पंचायत कैसी, राष्ट्रीय स्तर की पंचायत करने लगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको इस तरीके से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 अप्रैल क्या हो गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब मई देख लेते हैं दोस्तों, तो मई के डेज को याद करने के लिए चलिए दोस्तों देखते हैं। 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद करने के लिए माह से मई, ठीक है, माह से मजदूर, श्रम कौन करेगा, मजदूर। ठीक है, तो एक मजदूर होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो श्रम करता है तो 1 मई को उसका डे मनाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब कह रहा 3 मई, यानी कि 3 मजदूर हो जाते हैं, तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जब एक मजदूर था तो श्रम करता था, और जब 3 हो गए तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तो 3 मई क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अब 11 मई, तो 11 मई जब एक पे एक हो गया तो क्या हो गया भाई, कोई भी अगर उद्योग या प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो एक पे एक करके क्या होता है, 11 होता है, यानी कि एक पे एक मतलब बढ़ना। तो जब एक पे एक मजदूर हो गया, यानी 11 मई हो गया, या 11 मजदूर हो गए, तो प्रौद्योगिकी, यानी उन लोगों ने क्या खड़ा कर दिया, उद्योग खड़ा कर दिया, प्रौद्योगिकी खड़ी कर दी। ठीक है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला दोस्तों, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 दोस्तों, इसको ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं कि 1 मजदूर था जो कि तंबाकू खाता था, ठीक है, और 3 थे जो नहीं खाते थे। ठीक है, तो 1 पर क्या करा, 3 ने प्रेशर करा कि भाई देखो तंबाकू खाना ठीक नहीं है, तो 31 मई, यानी कि जब ठीक नहीं है तो 3 का प्रेशर 1 पे पड़ा, तो उसको क्या हो गया, निषेध हो गई तंबाकू उसके लिए। ठीक है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियोस और आ रही हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।